हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एक्सेल को लेकर के है और दो कीज के बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। और वो कीज कौन कौन सी हैं, एक तो प्राइमरी की है, दूसरी फॉरेन की है। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या होती है ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्राइमरी की एक बहुत ही यूनिक की होती है जो कि सिर्फ एक ही बार आती है किसी भी टेबल में। ठीक है, एक्सेस में ये हो सकती है। कीज का जो फैक्टर है, कीज नाम की जो चीज है वो एक्सेस में ही होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, एक्सेल में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। बात करें एक्सेल की तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट आईडी 1 रखता हूं, 2 रखता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं हो सकता है कि ये स्टूडेंट अलग अलग हो। जैसे यहां पे देख सकते हैं, यहां पर राम एक बार आया है, श्याम आया है एक बार, फिर यहां पे मोहन आया, फिर राम दोबारा आया, फिर श्याम दोबारा आया है। हो सकता है कि ये अलग अलग स्टूडेंट हो, तो इनकी स्टूडेंट आईडी अलग अलग दी गई है यहां पे। ठीक है, लेकिन क्या मैं यहां पे सेम स्टूडेंट आईडी एंटर कर सकता हूं? तो यहां 1 एंटर कर दिया क्योंकि श्याम की, राम की स्टूडेंट आईडी 1 है, श्याम की भी 1 हो सकती है क्या? तो अगर ये यहां पे 1 मैं टाइप कर सकता हूं, देखिए यहां पे 1 टाइप किया, एक्सेल ने कोई भी इसका अपोज नहीं किया, यहां पर देख सकते हैं आप। ठीक है, यहां पर अगर मैं यहां पर भी 1 टाइप कर देता हूं तो एक्सेल इसका विरोध नहीं करेगा और हमें यह टाइप करने देगा। यहां पर भी मैं अगर 1 कर देता हूं तो यहां पर भी हमें टाइप करने देता है। ठीक है, बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस में ही ये की फैक्टर पाया जाता है। यहां से क्रिएट पर कर देता हूं क्लिक, और क्रिएट पर जाने के बाद हमें यहां से व्यू पर करना है क्लिक, और ये टेबल 1 आ रहा है, इसे मैं कुछ नाम दे देता हूं। पहले नाम दे देता हूं मैं प्राइम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम समझेंगे। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर की फैक्टर आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं कर देता हूं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी कर दिया हमने, और इसे ऑटो नंबर भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, चलिए हम नंबर ही रख लेते हैं। ठीक है, और यहां पर स्टूडेंट का नेम आएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट का नेम जो है, यहां पे लिखता हूं मैं स्टूडेंट, और फिर यहां पर कैपिटल में लिखता हूं नेम। ठीक है, और बीच में थोड़ा गैप कर लेता हूं, यहां से ये हो गया गैप, तो ये स्टूडेंट नेम हो गया, और इसे रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, तो यहां शॉर्ट टेक्स्ट आ जाएगा। अब दो चीजें ही तो हमने एक्सेल में भी ली थी और यहां पर भी हमने दो ही चीजें ली हैं। अब यहां पर आ रही है स्टूडेंट आईडी, चलिए यहां स्टूडेंट आईडी 1 रख लेता हूं, और यहां पे स्टूडेंट आईडी 1 हो गई और स्टूडेंट का नेम हो गया राम। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट आईडी 2 रख लेता हूं और स्टूडेंट का नाम हो गया श्याम। जो काम हमने एक्सेल में किया था वही काम यहां पर भी करके देखते हैं। स्टूडेंट आईडी 3 हो गई और यहां पर कर लेता हूं मैं मोहन। ठीक है, क्या एक्सेस हमें ये इजाजत देता है कि हम ये स्टूडेंट आईडी को रिपीट कर सके? जी नहीं, हमें यह इजाजत नहीं देगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे प्राइमरी की बनाया है। कैसे पता ये प्राइमरी की है? यहां पर डिजाइन व्यू पर आ जाइए, और डिजाइन व्यू पर आने के बाद यहां पर कोई वैल्यू पहले हम टाइप कर लेते हैं, यहां पे 4 टाइप कर लेते हैं, और यहां पर कर लेता हूं राजू। ठीक है, ये हमने कर दिया, और अब इसे सेव कर लेते हैं। तो ये सेव कर लिया हमने, अब हम चलते हैं डिजाइन व्यू पर। तो यहां से आ जाते हैं डिजाइन व्यू पर, ये देख सकते हैं ये चाबी सी आपको दिख रही है, की सी आपको दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की होगी तो ये सिंबल आपको आएगा ही आएगा, क्लियर है? चलिए अब यहां पर हम आ जाते हैं, आइए रिपीट करना चालू करते हैं। हम यहां वापस से रखते हैं रोल नंबर 1, क्या हमें ये टाइप करने देगा? यहां पर आता हूं और यहां पर लिखता हूं वापस से रमेश। ठीक है, रोल नंबर वही, नाम अलग। तो ये देखिए यहां पर मैसेज आ गया, एरर आ गई, द चेंजेस यू रिक्वेस्ट टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज इन द इंडेक्स प्राइमरी की और रिलेशनशिप। ओके, तो यहां पर आपको ओके प्रेस करना पड़ेगा, और जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं तब तक ये आपको डेटा टाइप ही नहीं करने देगा। इसे कहते हैं हम प्राइमरी की। ठीक है, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसे मैं हटा देता हूं। ठीक है, और अगर मैं यहां पर राम लिखना चाहता हूं तो ये हमें राम टाइप करने देगा? नहीं, ये हमें राम भी टाइप नहीं करने देगा। देखिए मैं इसको हटाता हूं, फिर यहां लिखता हूं राम। ठीक है, एक ही बार आएगा, आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको आपको हटाना पड़ेगा। अब अगर जैसे ही यहां पे 5 लिखते हैं आप, तो ये आपको टाइप करने देगा। हो सकता है ये राम कोई और लड़का हो, तो यहां पे रोल नंबर इसका 5 हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब दोनों के बीच डिफरेंस समझते हैं। जैसे ये स्टूडेंट आईडी है, आपने एक्सेल में देखा, ये एक्सेल था हमारा, और एक्सेल में देख सकते हैं कि यहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज हम टाइप कर पा रहे थे, स्टूडेंट आईडी हो या कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन एक्सेस में ऐसा नहीं है। अब हम इन दोनों के बीच में बात कर लेते हैं कि ये दोनों चूंकि कीज तो होती ही है एक्सेस में, तो अब ये दोनों कौन कौन सी कीज है? तो प्राइमरी की मैंने आपको बताया, स्टूडेंट आईडी वाला जो की है वो प्राइमरी की है। ठीक है, स्टूडेंट नेम वाला जो की है यहां पर हो सकता है कि फॉरेन की हो। कैसे? यहां पर देखिए राम लिखा है ना, और ये देखिए यहां पर भी राम हमें ये टाइप करने दे रहा है।
यानी कि जैसे ही हम यहाँ पे डिजाइन व्यू में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट दिया हुआ, यहाँ कोई भी की का सिंबल नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब ये हमें टाइप करने देगा डुप्लीकेट वैल्यू भी, ठीक है। तो ये बन जाती है फॉरेन की, ठीक है, ये फॉरेन की है, ओके। तो यहां पर राम टाइप कर सकता हूं मैं, और यहां पर चाहे तो आईडी अलग देनी पड़ेगी हमें, ये बात याद रखिएगा, आईडी रिपीट नहीं होगी क्योंकि ये प्राइमरी की है, और ये हो जाएगी फॉरेन की, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, टेबल पे जाते हैं और यहाँ व्यू पे जाते हैं और यहाँ से टेबल वन ही रखता हूं मैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी तो दोबारा रिपीट होगी नहीं, ठीक है, लेकिन इसे ऑटो नंबर रख लेता हूं, प्रोडक्ट का नेम तो रिपीट हो सकता है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कर देता हूं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट नेम को हमें दोबारा रिपीट करने के लिए, अगर इसे हम प्राइमरी की बना देंगे तो हमें ये नेम रिपीट करने नहीं देगा, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट आईडी तो रिपीट होगी नहीं क्योंकि ये तो प्राइमरी की है, प्रोडक्ट नेम को अगर प्राइमरी की बना देते हैं प्रोडक्ट आईडी की जगह, तो ये प्रोडक्ट नेम को भी रिपीट नहीं करने देगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया कीबोर्ड, की बोर्ड ये रख दिया हमने, अब यहाँ पे वन आ गया, अब यहाँ पर जैसे ही हम वन की कोशिश करते हैं तो यहाँ वन तो आएगा नहीं, यहाँ टू ही आएगा, ऑटो नंबर है ये, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कीबोर्ड रख लेता हूं तो ये हमें एंटर करने देगा क्योंकि ये जो है फॉरेन की है, ठीक है। अगर यहाँ पे आईडी थ्री है और यहाँ पर कीबोर्ड ही है तो ये कीबोर्ड हमें फिर एंटर करने देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ कीबोर्ड, ठीक है, और यहाँ पे देखिए थ्री जो प्रोडक्ट आईडी है वो भी कीबोर्ड की ही है, और यहाँ हम एक ही नेम को बार बार रिपीट कर पा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी की प्रोडक्ट आईडी वाली की, और ये कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट नेम वाला, ये होगा हमारा फॉरेन की, ठीक है। तो प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में उम्मीद करता हूं कि डिफरेंस समझ में जरूर आया होगा। इसी तरह से बात करते हैं, जैसे कि एक ही क्लास में एक नाम के दो स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्टूडेंट आईडी तो अलग होगी ना, लेकिन अगर क्या होगा जब हम स्टूडेंट नेम को भी प्राइमरी की बना देते, प्राइमरी की बना देते, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूं करके, डिजाइन व्यू पर आ गए, अब स्टूडेंट आईडी को हटा देता हूं, मैं बना देता हूं स्टूडेंट नेम को प्राइमरी की, ठीक है, और यहां से ओके प्रेस कर देता हूं और यहां से यस कर देता हूं। अब ये प्रॉब्लम ये आएगी कि हमने यहां पे डेटा एंटर कर रखा है, कैसा डेटा एंटर किया है मैं आपको फिर दिखाता हूं यहां से, इस बार हम पहले इसको प्राइमरी की बना लेते हैं स्टूडेंट आईडी को, फिर वो डेटा दिखा देता हूं, फिर आपके समझ में और भी बेहतर तरीके से आएगा। यहां पे देखिए राम का नाम एक बार रिपीट हुआ, श्याम का नाम एक बार, मोहन का नाम एक बार, राजू का नाम एक बार, राम का नाम तीन बार रिपीट हो गया, ये देखिए यहां पर एक बार और पहले एक बार भी लिखा हुआ था, तो ये तीन बार रिपीट हो गया ना राम का नाम। तो इसलिए अगर हम इसको प्राइमरी की बनाते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि ये हमें यहाँ पे एंटर करने देगा, तो इसको हमें पहले हटाना पड़ेगा, इस रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना होगा, राम वाला रिकॉर्ड डिलीट करना होगा, ये सिर्फ एक ही बार आएगा। अगर हम प्राइमरी की बनाते हैं तो सिर्फ ये एक ही बार आएगा रिकॉर्ड, ठीक है, दोबारा नहीं आना चाहिए, यही शर्त है प्राइमरी की होने की, ठीक है। अब यहां पर इसको हमने कर दिया और यहां से ओके प्रेस कर दिया और ये हो गया। तो अब देखिए अब ये हमें एंटर करने दे रहा है, यहां पे देख सकते हैं ये इस तरह से हमें ये एंटर करने देगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि ये हमने कैसे किया है, ठीक है, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने आप अरेंज हो गया है, ठीक है। तो प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं इससे आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर भी कोई कंफ्यूजन होती हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।